Very good afternoon to everybody and a very good morning to all of you. I hope you guys are doing well. So tell me, Bajapati, I'm audible or not? जल्दी से बता दो, मैं audible और visible हूँ? सभी को मैं दिख पा रही हूँ, सभी को मैं सुनाई दे रही हूँ? फटाफट से बता दो, so that we can start our session. And do not forget to join me on 5 PM in special class on an academy app. जहाँ पे डिस्कशन होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs का, राइट? उसमें हम सारे के सारे जो MCQs आपके पेपर बेस्ड होते हैं, जो पेपर्स में आपके आते हैं, उन पर हम डिस्कशन करेंगे. पोल्स होगा, लीडर बोर्ड होगा, यू विल बी गेटिंग गुड फैसिलिटीज देयर और बहुत मजा आएगा उस सेशन में. सो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन मी. मैंने टेलीग्राम में ऑलरेडी आई हैव सेंडेड यू द लिंक. सो जरूर से जरूर मुझे 5 बजे ज्वाइन करना. और अभी हम 12 बजे यानी कि अभी पढ़ने वाले हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, करेक्ट? ये चैप्टर हम यहाँ पर अभी पढ़ने वाले हैं. एंड ऑफ कोर्स वी विल गोइंग टू लर्न एट 3 PM क्लास 7th का चैप्टर. सो डू नॉट मिस आउट एनी सिंगल सेशन. बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपके होने वाले हैं. एक तो आपका अनअकैडमी के ऐप पर होगा 5 बजे, दो सेशन आपके 12 और 3 बजे यहाँ पर यूट्यूब पे होंगे, राइट? सो डू नॉट मिस इट. बी देयर, अच्छे से यहाँ पर सेशन अटेंड करो. वहां पे हम इन अनअकैडमी ऐप MCQs करने वाले. सो दैट्स ऑल अबाउट द थिंग which we are going to learn today, right? And of course, very very warm welcome on Science Chala channel, Bachcha Party, जहां आपको मिलते हैं science के बहुत ही amazing से videos, बहुत ही amazing से sessions, जिसमें आपके chapter wise भी होता है, कुछ आपका अलग होता है chapter से, motivational videos मिलते हैं आपको, strategy videos मिलते हैं, तो ये सारी चीजें आपको इस channel पर मिलती हैं, right? तो moving ahead, अब आपको मैं बता दूं अपने बारे में. माय नेम इज प्राची सिंह. मैंने अपना मास्टर्स किया हुआ है कॉमर्स में. एंड आई हैव टॉट सो मेनी स्टूडेंट्स, सो मेनी लिटिल चैंप्स. एंड आई हैव 1.5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस एज आई वाज ऑफलाइन टीचर आल्सो. एंड यस, आई एम टीचर बाय हार्ट. आई लव कनेक्टिंग विद यू ऑल. आई लव कनेक्टिंग. आई लव रियली टॉकिंग विद यू ऑल. जब आप मुझसे बातें करते हो, राइट, अपने डाउट शेयर करते हो, तो दैट रियली इंप्रेसेस मी, दैट रियली मोटिवेटेड मी. सो इतना मेरे लिए इतना आपको मेरे बारे में जानना काफी है शायद. एंड आगे बढ़ते हैं. आपने अभी भी अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो व्हाट यू हैव टू डू, गो टू द टेलीग्राम ऐप. टेलीग्राम पे जाओ, इसको डाउनलोड करो और तुरंत के तुरंत इंस्टॉल करो फोन में और फटाक से अपनी आईडी बनाओ टेलीग्राम पर और ज्वाइन कर लो आप टेलीग्राम चैनल साइंसशाला का. यहाँ पे मैं सारी की सारी नोटिफिकेशन, वेदर इट इज रिगार्डिंग स्पेशल क्लास, रिगार्डिंग प्रीमियर वीडियोस, रिगार्डिंग लाइव सेशंस, सबके सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे. वॉट एवर विच एवर PDF यू वॉन्ट ऑफ क्लासेस, ऑफ एनी क्लासेस फ्रॉम 6 to 8, मैं वहां पर सेंड कर देती हूँ. Any doubt you are having regarding any chapter, तो आप वहाँ discussion group में send कर सकते हो. मैं AMA session जो कि मैं conduct करने वाली हूँ, second AMA session on 25th of Jan, उस दिन मैं वो सारे include करूँगी. So ये सारी facility you will be getting in Unacademy के साइंसशाला का telegram channel पर, right? चलो आगे बढ़ते हैं. अनअकैडमी के प्लस के बारे में बात करते हैं बच्चों. तो यू एवरीबडी नो कि अनअकैडमी प्लस पे यू आर हैविंग प्लेंटी ऑफ फैसिलिटीज जो कि आपको बूस्टअप, आपकी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने में बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि यू आर हैविंग लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड्स, करेक्ट? आपको वहाँ पे लाइव पोल्स, लीडर बोर्ड्स की फैसिलिटी मिलती है, जिससे यू विल बी नोइंग कि हाँ मेरी प्रिपरेशन कितनी अच्छी चल रही है, करेक्ट? आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये मेरी इतनी अच्छी प्रिपरेशन हो चुकी है, अब मुझे इतना ये चीजें करनी है. एंड ऑफकोर्स वहां पे आपको इतने अच्छे टीचर मिलते हैं, इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर मिलते हैं विद द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट. आपको जो डिलीवर होता है कंटेंट, जो आपको पढ़ाया जाता है, सब कुछ बहुत ही थॉरली पहले उस पर रिसर्च की जाती है टीचर्स के द्वारा, फिर आपको वो कंटेंट हम डिलीवर करते हैं. तो ये चीज अनअकैडमी आपको बेस्ट प्रोवाइड करती है, एक बेस्ट एजुकेटर के साथ बेस्ट कंटेंट. हाय विश्वा वघेला, हाय विश्वा वघेला, हाउ आर यू, हेलो बेटा. एंड ऑफकोर्स वहां पे आपको पोल्स और लीडर पोल्स की, जैसे आज टुडे आई एम हैविंग लाइव स्पेशल क्लास, राइट, जिसमें मैं आपको लाइव पोल्स और लीडर बोर्ड्स के थ्रू आपकी रैंकिंग, आपका यू नो पोल्स में आप आंसर दे पाओगे. डाउट सॉल्विंग सेशंस आपको डेली प्लस में कंडक्ट किए जाते हैं. ये सारी फैसिलिटी यू विल बी गेटिंग व्हेन यू विल टेक सब्सक्रिप्शन.
आपको वहां पे पोल्स और लीडर बोर्ड के थ्रू आंसर करने का मौका मिलता है। आपको डाउट सॉल्विंग सेशंस डेली बेसिस पे कंडक्ट किए जाते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि अच्छा भाई ये डाउट है मेरा, इसका ये सलूशन है। किसी और के डाउट से आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। यू विल बी गेटिंग लाइव इंटरेक्शन। इंटरेक्शन इज गुड देयर बिकॉज इन यूट्यूब दिस हैपेंस कि बच्चा आप चाहे कितना भी अपना डाउट, कितना भी आप इंटरेक्ट करना पाओ टीचर से, प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट्स के होने की वजह से नहीं आपका कोई भी हो सकता। आई एम फाइन मैम, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो फाइन विश्व, आई एम ऑल्सो फाइन, हाउ आर यू एंड हाउ आर यू डूइंग? आपने पढ़ाई वढ़ाई अच्छी कर ली, आपके ब्रेकफास्ट हो चुके हैं, जल्दी से सेशन शेयर कर दो विश्वास, ताकि और सारे बच्चे हमसे जुड़ सके और हम अपने सेशन को स्टार्ट कर सके। करेक्ट, वहां पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है। टेस्ट सीरीज में यू विल बी गेटिंग डेली मॉक टेस्ट, वीकली मॉक टेस्ट होते हैं, आपकी वीकली टेस्ट सीरीज होती है, प्लस यू विल बी गेटिंग T20 सीरीज, जिसमें आप अपना प्रिपरेशन कहाँ तक आपकी पहुंची है ये पता एनालाइज कर सकते हो। राइट, कैसे लेते हैं? प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना, प्लस पे जाकर सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, फ्री कोर्सेज मेरे कोड प्राच से अवेल कर सकते हो। When you will use this code ना, तो you can use this for subscription purpose. अगर subscription के लिए use करते हो तो 10% off मिलेगा। अगर free courses चाहते हो पढ़ना, तो उसके लिए भी you need to have a code. Lockdown classes CSS preparation है। बच्चा अपना नाम बता दो, lockdown classes। अच्छा नहीं लगता मैं lockdown classes बोलूँ, तो नाम अपना बता दो और आप मेरे कोड लगाकर फ्री कोर्सेज अवेल कर सकते हो। अगर आप चाहते हो मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना, तो अदर कोर्सेज यानी कि जो स्पेशल के नीचे अदर कोर्सेज लिखकर आता है मैनेज गोल में, उसमें आपको जाकर टाइप करना है मेरा नाम प्राची सिंह और आप वहां मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, यू कैन फॉलो मी देयर। नेक्स्ट, इफ यू वांट टू टेक सब्सक्रिप्शन, तो आपको फर्दर सब प्लस पे क्लिक करने के बाद इन दिस यू हैव टू क्लिक गेट सब्सक्रिप्शन and then need to select your month, whatever month suits you, just select that. Praj mera code avail karna, is code ko zarur laga dena, taki aapko 10% ka discount mil sake. Ye aapka off rehta hai jab aap educator ka code use karte ho, theek hai? Lockdown classes, Rohan Shahi naam hai. Ma'am, meri exam chal rahi thi, isliye abhi hi maine ye channel join kiya hai. कल लास्ट एग्जाम है। ओके, कल आपका लास्ट एग्जाम है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम विश्वा। आई होप कि आप अच्छे से अपने एग्जाम देना और बस चड्डे फट्टे कर देना, एकदम मस्ती से अच्छे से थॉरली क्वेश्चंस पढ़ के अपने एग्जाम देना, एंड वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ओके, तो आपका नाम रोहन है। ओके रोहन एंड विश्वा, चलो डू शेयर द सेशन विद एवरीबॉडी सो दैट दे कैन ऑल्सो ज्वाइन। सेशन एंड टू एंड मूवमेंट स्टार्ट होते हैं, बच्चों को पता भी नहीं चलता। जस्ट लेट मी शेयर द सेशन विद स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन ऑल्सो नो कि हाँ मैम आ चुकी है लाइव। वन सेकेंड, यस ये मेरा सेशन है। ओके चलो शेयर हो गया सेशन, अब बच्चे जुड़ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच मैम। मैम प्लीज स्टार्ट नीट फाउंडेशन कोर्स फॉर क्लास 8 स्टूडेंट्स। बेटा आई कैन नॉट स्टार्ट नीट फाउंडेशन कोर्स फॉर क्लास 8 स्टूडेंट्स। मैं अभी प्रॉपरली जो पढ़ा रही हूँ आप वो पढ़ो, जब मुझे इसका भी अलाउ हो जाएगा तो देन आई विल डेफिनेटली स्टार्ट। हमें भी एक क्राइटेरियाज फॉलो करने पड़ते हैं, तो उन क्राइटेरियाज के अंदर ही रहकर मैं आपको चीजें पढ़ा सकती हूँ। ठीक है, बट यस डेफिनेटली जैसे होगा मैं डेफिनेटली आपको ये भी पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट के होमवर्क थे जो बच्चों ने किया था, नवजोत, प्रिया ने, मोना ने, तो ये सारे होमवर्क लास्ट सेशन के थे जो की बच्चों ने यहाँ पर हमें सेंड किए थे कॉमेंट सेक्शन में। आज हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। ये आपके क्लास 6 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस में हम देखेंगे कि वाई वी सेपरेट अ पर्टिकुलर सब्सटेंस और अ पर्टिकुलर मटेरियल फ्रॉम अनदर मटेरियल। राइट, हम क्यों सेपरेशन करते हैं? इट इज नीडेड और इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हमारा मन हुआ तो हमने सेपरेट कर लिया। किस लिए एक्चुअल में सेपरेशन होता है, वो सारी चीजें हम आज इस सेशन में जानने वाले हैं। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्या होने वाला है सेशन में, यानी कि फुल आपका सेशन क्या क्या डिपेंड है किस पे? पहले तो वी विल लर्न अबाउट कि व्हाट इज सेपरेशन, आखिर ये सेपरेशन होता क्या है, फिर मेथड्स क्या क्या है सेपरेशन के,
एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज समथिंग लाइक योर एक्सपेरिमेंट, आपका एक्सपेरिमेंट भी हो कह सकते हो इसे, एक एक्टिविटी भी कह सकते हो कि दिस इज समथिंग लाइक कि आप यू आर परफॉर्मिंग सम एक्टिविटी, कि क्या शुगर आप किसी कितनी भी अमाउंट की शुगर, यानी कि इफ यू फॉर एग्जांपल 500 ग्राम ऑफ शुगर आप एक ग्लास में, एक छोटे से ग्लास में फुल ऑफ वाटर में डालोगे तो क्या वो डिजोल्व हो जाएगी? दिस इज समथिंग एक्टिविटी जो हमें परफॉर्म, जो आप जो है अपने घर पे करोगे, मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअल में इसका रिजल्ट होने क्या वाला है, एंड डेफिनेटली आप घर पे परफॉर्म करके मुझे कमेंट सेक्शन में ये रिजल्ट भी बता सकते हो। एंड एट लास्ट क्वेश्चंस होते हैं, मैं हर सेशन में अपने क्वेश्चंस जरूर करवाती हूँ। यस हेलो बेटा माही, आई एम फाइन, हाउ आर यू माही? डू लाइक द सेशन एवरीबॉडी दोज हु आर जॉइनिंग नाउ। लास्ट में आपको क्वेश्चंस आंसर मिलने वाले हैं, डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन मी एट 5 PM जहां पे मेरी स्पेशल क्लास होने वाली है आन अकेडमी के ऐप पे। दिस इज माय फर्स्ट स्पेशल क्लास, तो आई होप यू ऑल विल जॉइन मी एट 5 PM राइट। एंड आपको होमवर्क भी मिलेगा जो कि आपको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना होता है राइट। आपको होमवर्क दिया जाता है जो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करते हो। तो चलो फिर सेशन को विदाउट एनी डिले स्टार्ट किया जाता है। तो समबडी इज थिंकिंग, सपोज ही इज योर क्लासमेट एंड ही इज थिंकिंग कि हम टी लीव्स को क्यों सेपरेट करते हैं स्टेनर से। आप देखते हो कि व्हेन योर मामा प्रिपेयर्स टी, जब आपकी मम्मी क्या करती है, टी को प्रिपेयर करती है, जब वो चाय बनाती है तो चाय की पत्ती, अदरक, इलायची, ये सारी की सारी चीजें हम लोग कूट के चाय में डालते हैं ताकि चाय आपकी अच्छी से बन सके, ताकि स्वादिष्ट रहे, टेस्ट अच्छा है राइट। लेकिन क्या हम वो अदरक, इलायची, चाय की पत्ती सब पीते हैं? नहीं, हम सारी की सारी चीजें तो पीते नहीं है, क्योंकि अदरक, चाय की पत्ती और इलायची ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट हो जाते हैं उस चाय के, जो कि बनाने के लिए जरूरी है लेकिन उन्हें हम पी नहीं सकते। तो वी सेपरेट इट फ्रॉम स्टेनर, जो छन्नी आती है उससे हम क्या करते हैं, उसको सेपरेट कर देते हैं। तो ऐसा हम क्यों करते हैं? जस्ट बिकॉज टू सेपरेट अनवांटेड मटेरियल विच वी कैन नॉट ड्रिंक, तो हम उसे क्या करते हैं, स्टेनर से सेपरेट कर देते हैं। ये तो पहली बात हुई कि हम टी लीव्स को क्यों सेपरेट करते हैं, करेक्ट। अब नेक्स्ट बात हुई, मिल्क और कर्ड इज टर्न्ड टू सेपरेट द बटर। आपने हमेशा देखा है, मैम प्लीज मेक वीडियो ऑन ह्यूमन आई, ओके मैम ये चैनल क्लास 7 के लिए है ना? यस दिस इज फॉर 6, 7, 8। यहाँ पे तीनों क्लासेस चलती हैं, विश्व 6, 7, 8 तीनों की क्लास यहाँ पर होती है। 12 बजे आपकी होती है 6 की क्लास, और 7th, 8th, कभी कभी मैं 12 PM पे 6 and 7 का जो मिक्स चैप्टर होता है, जैसे आपका फाइबर टू फैब्रिक हो गया या कोई अनदर चैप्टर हुआ जो दोनों क्लासेस में है, तो मैं वो भी आपको पढ़ा देती हूँ, ठीक है? तो ये टाइमिंग्स आपकी रहती है 6, 7, 8 तीनों के लिए, आपका ये चैनल है, ओके विश्व। डेफिनेटली रोहन मैं बनाने की कोशिश पूरी करूंगी, ह्यूमन आई पे मैं डेफिनेटली बनाऊंगी राइट। चलो मिल्क और कर्ड को हम चर्निंग क्यों करते हैं उसकी, ताकि हम मिल्क और कर्ड से क्या कर सके, बटर को सेपरेट कर सके, और जो अनवांटेड, यानी कि जब आप बटर की चर्निंग करते हो मिल्क और कर्ड से, तो आप उसमें क्या करते हो, क्या प्रोसेस होता है चर्निंग का? भाई आप लोग छोटे से बच्चे हो तो आप लोगों को तो पता नहीं होगा। नो नो दिस इज नॉट क्लास 8, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस इज फॉर क्लास 6। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस तो माही क्लास 6 में होगा, 8th में नहीं है ये चैप्टर। आपने पढ़ा होगा क्लास 6 में माही सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। तो आप क्या करते हो, घर में आपने अपनी मम्मा को देखा होगा, जब वो मिल्क या फिर जो मिल्क की जो ऊपर की लेयर होती है, जिसे हम मलाई बोलते हैं, क्रीम बोलते हैं, उसका चर्निंग करती है ताकि उससे वो बटर निकाल सके, तो क्या करती है, उसमें कोल्ड वाटर या हॉट वाटर मिलाती है, डिपेंडिंग ऑन वेदर कैसा है, और उसको ऐसे 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 खूब ऐसे राउंड राउंड करके उसमें हाथ से उसको फेंटती है, ताकि जो बटर हो वो चर्न होकर ऊपर आ जाए राइट। तो उसके बाद जो पानी उसमें रह जाता है वो तो अनवांटेड है, तो जो अनवांटेड मटेरियल होता है उसको फेंक देती है, तो इसीलिए हम मिल्क की भी चर्निंग करते हैं, करेक्ट। तो ये तो बात सेकंड हो गई। थर्ड है कि बट यू कैन नॉट सेपरेट अ ग्लास ऑफ सैंड एंड सॉल्ट मिक्स्ड इन इट। अब एक ग्लास है, मान लो दिस इज योर ग्लास, ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, सैंड डाल दिया और इधर से सॉल्ट डाल दिया, ठीक है। अब ये आपका पानी है, ठीक है, इसमें सैंड भी है और सॉल्ट भी है, तो क्या आप इसे सेपरेट कर सकते हो, जल्दी से बताओ, सैंड और सॉल्ट को कोई सेपरेट कर सकता है?
यस, फटाफट से विश्वा, माही, रोहन सभी लोग बताओ, क्या सैंड को आप सॉल्ट से अलग कर सकते हो? यू कैन सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम सैंड? अगर हम, नो नो संजीव, देर इज नो मेंटी बच्चा, मेंटी नहीं है संजीव, हम आज क्लास ले रहे हैं क्लास 6 की, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, मेंटी नहीं है। चलो अभी मुझे बताओ, सब लोग बताओ, संजीव, विश्वा, माही, रोहन, कि क्या हम कभी भी सैंड और सॉल्ट को अलग कर सकते हैं? माही का आंसर नो आ चुका है, बिल्कुल सही। अगर हम एक बीकर में या एक ग्लास में या किसी चीज में आप सैंड और वाटर को मिक्स कर दो तो तुम कभी भी उसे अलग नहीं कर सकते, चाहे कोई भी मेथड कर लो, या वो अलग नहीं हो सकता क्योंकि दोनों ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं, आपके दोनों ही दोनों फाइन पार्टिकल्स होते हैं, इतने छोटे छोटे इनके पार्टिकल्स होते हैं कि आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते। तो करेक्ट माही, नो इज द राइट आंसर, आप उसे सेपरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, व्हाई वी डू सेपरेशन, हम सेपरेशन क्यों करते हैं? आखिर सब्सटेंस को अलग करने की नीड ही क्यों है? चाहे तो ना करें और चाहे तो करें, क्यों करते हैं? तो देखो, सेपरेट करने का सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये होता है कि आपको पता है कि जरूरी नहीं हर मटेरियल में आपको कोई अनवांटेड चीज ना हो। इम्पोर्टेंट रीजन ये है बच्चा कि अगर आप राइस खाते हो तो राइस में से आपको सेपरेशन करने की जरूरत पड़ती है किसको? जो पेबल्स होते हैं, यानी छोटे छोटे जो कंकड़ होते हैं आपकी राइस में, उन पेबल्स को सेपरेट करने की जरूरत पड़ती है। वहां पे दो डिफरेंट चीजें होती हैं, एक तो आपके राइस होते हैं और एक उसमें पेबल्स होते हैं, जो आप कंकड़ नहीं खा सकते ना, चावल के साथ कंकड़ तो खा नहीं सकते। तो यू नीड टू सेपरेट टू डिफरेंट थिंग, जो यूजफुल कंपोनेंट है वो आप राइस को क्या करते हो, आप आगे कुक करके खाते हो, और जो पेबल्स निकलते हैं, जो कंकड़ निकलते हैं, उन्हें फेंक देते हो। तो सेपरेशन इसलिए नीडेड है ताकि हम यूजफुल कंपोनेंट को सेपरेट कर पाए और अनवांटेड अनयूजफुल कंपोनेंट को फेंक सकें, जिनका कोई उपयोग नहीं है उन्हें हम फेंक सकें और यूजफुल चीजों को हम यूज में ला सकें। करेक्ट? हाय नन्या, हेलो बच्चा, यस ओके मैम, मेंटी आदित्य, देयर इज नो मेंटी बेटा, आदित्य मेंटी नहीं है, ओनली टूडे इज देयर क्लास ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, नॉट अ मेंटी, मेंटी नहीं है बेटा। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ कि हम सेपरेशन क्यों करते हैं, जस्ट बिकॉज कि हमें यूजफुल कंपोनेंट को अनयूजफुल कंपोनेंट से अलग करना होता है, ताकि जो यूजफुल चीजें हैं जिन्हें हमें यूज करना है उन्हें हम यूज कर सके और अनयूजफुल चीजों को फेंक सके। राइट? तो सेपरेशन इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेपरेशन में मेथड आते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही सेपरेशन हो जाता है हवा में, नहीं, दैट ऑल्सो हैविंग अ मेथड, प्रॉपर मेथड्स होते हैं। फर्स्ट आपका मेथड होता है हैंड पिकिंग, जिसमें आपके हाथों से क्या की जाती है, स्मॉल जो क्वांटिटीज होती हैं उन्हें हम अपने हाथ से हटा देते हैं। राइट? सेकेंड मेथड आता है थ्रैशिंग। थ्रैशिंग में क्या होता है, बड़े से स्टोन में पटकते हैं आप अपने ग्रेन्स को, ताकि जो स्टॉक्स से क्या हो, सॉरी, स्टॉक्स को आप पटकते हो ताकि ग्रेन्स उससे सेपरेट हो सके। राइट? थर्ड प्रोसेस आपका आता है विनोइंग। ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट वेस्ट की इम्प्योरिटीज को आप सेपरेट करते हो विंड के थ्रू। किसके थ्रू? विंड के थ्रू। लास्ट सेशन में जब मैंने ये चैप्टर आपका लिया था तो बताया था विंड को हम किससे याद कर सकते हैं, विंड को हम याद कर सकते हैं किस मेथड में हम विंड का यूज करते हैं। राइट? विंड से आप याद रख सकते हो कि इस मेथड में आप विंड का यूज करते हो। एंड सीविंग कौन सा मेथड है, फोर्थ मेथड आपका आ गया सीविंग। इस मेथड में इम्प्योरिटीज क्या होती हैं, बड़े साइज की होती हैं, लार्ज नंबर में होती हैं, तो सीविंग के मेथड से हम उन इम्प्योरिटीज को अलग करते हैं। राइट? नेक्स्ट आता है फिफ्थ मेथड, जिसे हम कहते हैं सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्टरेशन। तो इसमें क्या होता है, हम जो इम्प्योरिटीज होती है स्मॉल स्मॉल साइज की, उसको डिसॉल्व कर देते हैं वाटर में और फिर फिल्टर कर लेते हैं यूजफुल पार्टिकल्स को। ये सारी के सारे मेथड्स अभी हम आगे चलकर ब्रीफली पढ़ने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? ब्रीफली आगे चल के ये मेथड्स हम पढ़ेंगे। एंड देन आता है एक मेथड जिसे हम कहते हैं इवोपोरेशन। क्या बोलते हैं? इवोपोरेशन बोलते हैं। राइट? तो अब हम आगे चल के उस मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलो, सबसे पहला है हैंड पिकिंग मेथड। तो राइस आपने देखा होगा अपने घरों में,
मम्मी लोग क्या करती हैं, राइस को एक प्लेट में लेती हैं और उसको हाथ से क्या करती हैं, ऐसे सेपरेट करती हैं और उनमें से कंकड़ निकाल के बाहर फेंक देती हैं। करेक्ट। आपने मिंट लीव देखी होंगी, पुदीना के पत्ते देखे हैं ना, मिंट लीव। मिंट लीव से ग्रास को भी आप हैंड पिकिंग से अलग कर सकते हो, राइट? ग्रास को भी मिंट लीव से आप हैंड पिकिंग के मेथड से अलग कर सकते हो। आप जो है सैलेड में अगर कोई भी अनवांटेड लाइज, लाइक कोई भी ऐसी चीजें जो यूजफुल नहीं हो, उसे भी हैंड पिकिंग के द्वारा अलग किया जा सकता है। करेक्ट। हैंड पिकिंग क्या मेथड है, जिसमें यू यूज योर हैंड फॉर द सेपरेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, राइट? आप अपने हाथों का इस्तेमाल करते हो अपने जो भी सब्सटेंस, जो भी मटेरियल है, उससे अनवांटेड चीजों को बाहर करने के लिए। हाय यशवी, आई एम फाइन, हाउ आर यू? हाय सिद्धार्थ, सिद्धार्थ एट 5 PM, 5 PM पे मेरी स्पेशल क्लास है आज। मैंने ऑलरेडी लिंक सेंड कर दी है टेलीग्राम ग्रुप पे, सेंड कर दी है लिंक ऑन टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल पे भेज दी है मैंने लिंक, आप जाकर चेक कर लो। ठीक है सिद्धार्थ, यस, हेलो बेटा, हेलो सिद्धार्थ एंड ओजस्वी। तो ये समझ में आ गया कि हैंड पिकिंग यू डू बाय योर हैंड, जब सॉलिड सॉलिड लार्ज अमाउंट के पार्टिकल्स, आपको बड़े छोटे छोटे कंकड़ आपको निकालने होते हैं किसी भी सब्सटेंस से, तो आप हैंड पिकिंग का यूज करते हो। जब लार्ज सब्सटेंस होते हैं, आप उन्हें एकदम क्लियरली देख सकते हो, तो आप अपने हाथों का इस्तेमाल करते हो ये मेथड करने के लिए। ये बहुत ही कॉमन मेथड है, राइट? ये बहुत ही कॉमन मेथड है। आपने अपने घरों में अपनी मम्मा को परफॉर्म करते हुए देखा होगा, जब वो अपने राइस से क्या करती है, पेबल्स को निकालने का काम करती है, कंकड़ को निकालने का काम करती है, तब वो अपने इन हाथों का यूज करती है, तो दैट इज ऑल्सो हैंड पिकिंग। सॉरी टू बी लेट मैम, कोई बात नहीं हो जसवी, डोंट से सॉरी। तो ये सारे मेथड्स आप यूज करते हो सेपरेशन के लिए। दिस इज वेरी कॉमन मेथड। ये क्या है, बहुत कॉमन मेथड है। हैंड पिकिंग का मतलब होता है जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम अपने हाथों के थ्रू क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, उनको अपने हाथों के थ्रू अलग करते हैं। जैसे राइज से, पल्स से आप पेबल्स को अलग करते हो कुक करने से पहले, वो भी किस मेथड से होता है, हैंड पिकिंग से होता है। मिंट लीफ को ग्रास से अलग करते हो हैंड पिकिंग के मेथड से। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप अपना हैंड पिकिंग के मेथड से परफॉर्म करते हो, राइट? सेकेंड मेथड आपका आ गया थ्रैशिंग। तो आपने देखा होगा बड़े से वुड की लकड़ी पे नीचे ये आपकी बेडशीट बिछाकर फार्मर्स क्या करते हैं, थ्रैशिंग मेथड का यूज करके अपने ग्रेन्स को स्टॉक्स से अलग करते हैं। क्या करते हैं, ग्रेन्स को स्टॉक्स से अलग करते हैं। जो आप बड़े बड़े से गट्ठर देखते हो, मान लो राइस की खेती हुई, ठीक है, राइस की खेती हुई, धान लगाया गया, फिर आपने गेहूं की फसल उगाई, तो उनको आप कैसे अलग करोगे स्टॉक्स से। बड़े बड़े गट्ठर होते हैं, वो पेड़ होते हैं जो सूख जाते हैं, फिर आप उन्हें क्या करते हो, फिर वो क्या करते हैं, एक बड़े से लकड़ी पर उस पत्थर को ऐसे पटकते हैं, पीटने का काम करते हैं। जब वो उस पत्थर से टकराते हैं तो उनमें से जो ग्रेन्स होते हैं वो नीचे बिछी हुई बेडशीट पे गिरते हैं। इसी तरह वो क्या करते हैं, इसी तरह ये प्रोसेस परफॉर्म करके वो सारे के सारे स्टॉक्स से ग्रेन्स को अलग कर देते हैं। और ये यूजुअली कौन परफॉर्म करता है, ये फार्मर्स परफॉर्म करते हैं, ताकि वो ग्रेन्स को स्टॉक्स से अलग कर सके हार्वेस्टिंग के बाद। ठीक है, सुखाया जाता है पहले इन ग्रेन्स को, पहले इन स्टॉक्स को सुखाया जाता है, उसके बाद ही उनको बीट करने का यानी पीटने का काम होता है, ताकि ग्रेन्स अलग हो सके। जब वो पूरे के पूरे फसल सूख जाएगी तभी आपके ग्रेन्स अलग होते हैं। और अब के जमाने में क्या हुआ, अब के जमाने में थ्रेशिंग मशीन से भी होनी शुरू हो गई। पहले मशीन्स नहीं थी तो भाई फार्मर्स की एक्टिविटी परफॉर्म करते थे। अब ये देखिए, अब सेकंड पिक्चर में, ये फर्स्ट पिक्चर है जो फार्मर परफॉर्म कर रहा है थ्रैशिंग, और ये सेकंड पिक्चर में मशीन से थ्रैशिंग हो रही है। अब थ्रैशिंग का प्रोसेस मशीन से भी होने लगा। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ थ्रैशिंग। प्रोसेस क्या है थ्रैशिंग का, जो आप ग्रेन्स सेपरेट करते हो स्टॉक्स से, उसी को हम कहते हैं थ्रैशिंग। या तो ये फार्मर परफॉर्म करेगा,
और या तो ये मशीन से कर किया जाएगा, तो ये आपका थ्रेशिंग मेथड हुआ। नेक्स्ट है विनोइंग मेथड। कौन सा मेथड? विनोइंग मेथड इज द थर्ड मेथड, करेक्ट। अब विनोइंग में आपको याद कैसे रखना है? विन से आप याद रखोगे कि विंड का यूज होता है विनोइंग में। आपको पता है इसमें क्या होता है, जो मिक्सचर होते हैं सब्सटेंस के, यानी कि अब आपके ग्रेन्स में कुछ तो हस्क होगा, यानी कि जब आप उसे पटकते हो तो जो आपके स्टॉक्स के छोटे छोटे हस्क होते हैं वो भी ग्रेन्स में मिल जाते हैं। तो अब वो कैसे उन्हें अलग किया जाए? तो भाई इस्तेमाल किया जाता है नेचुरल विंड का या फिर आर्टिफिशियल ब्लोइंग एयर। आर्टिफिशियल ब्लोइंग एयर का मतलब होता है फैन का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो हवा है उससे क्या हो, वो जो ये आप लेडी को देख रहे, शी इज परफॉर्मिंग विनोइंग मेथड, वो क्या परफॉर्म कर रही है? विनोइंग मेथड परफॉर्म कर रही है। ये क्या कर रही है? ऊपर से सूप से ऐसे ग्रेन्स को नीचे गिरा रही है। जो हस्क है वो इतना हल्का होता है, इतना लाइट पार्टिकल होता है कि वो हवा के झोंके से, हवा की जो है बहाव से क्या करता है, उससे वो उड़ के अलग हो जाता है और ग्रेन्स नीचे बेडशीट में पूरी आकर रुक जाती है, बेडशीट में आ जाती है, और जो हस्क होते हैं वो हवा में उड़ के चले जाते हैं। हाय सोनाली, आई एम गुड बच्चा, ओके यू आर गुनगुन, आई नो बच्चा, कोई बात नहीं, इफ यू आर लेट कोई बात नहीं, दैट्स फाइन, ठीक है। तो आपका विनोइंग मेथड विंड से परफॉर्म किया जाता है, ताकि जो लाइट मिक्सचर होते हैं, जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि आपके हस्क होते हैं, वो उन्हें सर्टेन हाइट पे जाकर सूप से क्या किया जाता है, नीचे गिराया जाता है, ताकि जो हस्क है वो अलग हो सके हवा के कारण और ग्रेन्स आपकी बेडशीट पे आकर गिर जाए, राइट। ये पूरी की पूरी विनोइंग एक्टिविटी आपकी होती है। ये भी यूजुअली फार्मर्स ही परफॉर्म करते हैं, ताकि क्या हो, थ्रेशिंग के बाद जो ग्रेन्स में हस्क मिल जाते हैं उन्हें अलग किया जा सके, राइट। ये जो प्रोसेस है वो भी आपके फार्मर्स ही करते हैं, करेक्ट। तो ये समझ में आ गया, जल्दी से थम्स अप कर दो। ओजस्वी, सुना, गुनगुन, सिद्धार्थ, आदित्य, अनन्या, माही, संजीव, जितने बच्चे हैं सभी एक बार थम्स अप कर दो कि यस मैम समझ में आ गया, राइट। मुझे एक बार थम्स अप कर दो कि समझ में आ गया हो, तो वी कैन मूव अहेड। आगे नेक्स्ट मेथड है जो हमारा सीविंग, उसका यूज हम बता सकें कि वो प्रोसेस कैसे करते हैं। फटाफट से बताओ, थम्स अप कर दो, आई एम वेटिंग टू एवरीबॉडी सो दैट थम्स अप कर दे, तो मैं स्टार्ट करूं नेक्स्ट मेथड, राइट। जल्दी से बता दो, थम्स अप कर दो। यस माही का, माही यूनिक दी गर्ल, ओके माही आपने अपना नाम चेंज कर लिया, ओके थम्स अप कर रही है, वेरी गुड माही। चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं, ये आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं फिफ्थ मेथड की, जिसको हम कहते हैं सीविंग। सीविंग का मतलब होता है बेटा छलनी। आपने घरों में देखा होगा, सबने देखा होगा, यूजुअली सभी ने देखा होगा, ऐसा तो कोई बंदा नहीं है, ऐसा है कोई बच्चा नहीं है जिसने क्या है अपने घर में सीव नहीं देखी हो। आपने घर में छलनी देखी होगी, ऐसे गोल सी, जिसमें ऐसे ऐसे करके बना होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके बने होते हैं, बहुत बहुत छोटे छोटे से, छोटे छोटे से होल्स होते हैं ऐसे ऐसे ना। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ किसने किसने अपने घरों में छन्नी देखी है, सीव देखी है, जल्दी से। ऐसे छोटे 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 उसमें क्या बने होते हैं बेटा, होल्स बने होते हैं। उसमें क्या किया जाता है, जो आपका फ्लोर होता है, यानी कि जो आपका आटा होता है, उसको डाला जाता है और उसको ऐसे 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 सीव के उससे छाना जाता है, ताकि जो आपके आटे से अनवांटेड मटेरियल है वो अलग किया जा सके, और जो फ्लोर है वो प्लेट में कलेक्ट किया जाता है, ताकि उसका डो बनाया जा सके, राइट। सीव में आपके क्या होते हैं, टाइनी से होल्स होते हैं, जो आपका सेपरेशन का मेथड परफॉर्म करते हैं। ये क्या करते हैं, मटेरियल से अनवांटेड जो एलिमेंट्स हैं उन्हें निकाल देते हैं, और मटेरियल पूरा प्योर हो जाता है, तो उस फ्लोर का आप डो बना सकते हो, राइट। तो सीविंग क्या किया जाता है, जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, सीव के थ्रू आप रुकने का काम करते हो। यानी कि जो बड़े पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, सीव के अपर साइड में रह जाएंगे, और जो फाइन पार्टिकल्स होंगे, जैसे कि आपके फ्लोर वगैरह, वो नीचे आ जाएंगे, प्लेट में कलेक्ट हो जाएंगे, राइट।
तो सीव आप सभी ने अपने घरों में देखी होगी। सीव का काम आप या तो क्या करते हो, फ्लोर को क्या करते हो, प्योर करने के लिए, फ्लोर यानी आटे से इम्प्योरिटीज निकालने के लिए यूज करते हो। सेकेंडली आप क्या करते हो, जो पेबल्स होते हैं, पेबल्स और स्टोन होते हैं, वो आपने देखा होगा सैंड से या जो ये सीमेंट आती है, मोरंग आती है, उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे से पेबल्स स्टोन्स होते हैं, तो उन्हें अलग करने के लिए भी हम इस तरह की सीव का इस्तेमाल करते हैं। जब घर बनते हैं ना तो भी आप ये सीव का इस्तेमाल करते हो, तब वो बड़े साइज में सीव होती है। जो घर में यूज करते हो वो तो छोटी सी सीव है, लेकिन जो आप घर बनाते वक्त यूज करते हो वो बड़ी ही सी सीव होती है, राइट। तो ये दोनों के ही, दोनों आपके सीविंग का ही काम करते हैं। तो ये क्लियर हो गया, जल्दी से थम्स अप कर दो। और इसके बाद हम दो आपके टॉपिक और है, फिर हम करने वाले हैं क्वेश्चंस एंड आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, तो बिल्कुल भूलिएगा नहीं, तुरंत तुरंत आपको आके अभी ज्वाइन करना है, राइट। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सभी को, चलो आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्टरेशन, राइट। ये हमारा सिक्स्थ प्रोसेस है, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्टरेशन। तो सेडिमेंटेशन का मतलब होता है एक बीकर में आपने वाटर ऐड किया, क्या ऐड किया, वाटर ऐड किया, और उसमें क्या डाल दिया, पेबल्स डाल दिए, पेबल्स यानी कि पंथर डाल दिए। जब आपने डाला तो आपने देखा कि वो ऐसे ऐसे इधर उधर लहरा रहे हैं पानी में, लेकिन when you watch it after some time, जब आप कुछ समय के बाद पानी में देखोगे तो वो सब यहाँ पर एट द एंड और द बॉटम ऑफ द बीकर वो सेटल डाउन हो जाएंगी। इसका ही मतलब होता है सेडिमेंटेशन। It is a tendency for particles to suspend or to settle in the fluid. Rani ki, jo fluid ka matlab hota hai liquid form, that is water. Water mein kya honge? They will settle down at the bottom. Usi ko hum kehte hain sedimentation, right? Usi ko what we say that sedimentation process, correct? Next aata hai decantation. तो अब आपने क्या किया, मान लो आपने पेबल्स, स्टोन्स या फिर सैंड किसी भी वाटर में डाला। ये आपका बीकर है, ये वाटर है, ठीक है, दिस इज वाटर, यहां पे आपका सैंड पड़ा हुआ है, ये क्या है, सैंड पड़ा हुआ है। तो डिकेंटेशन से क्या करोगे आप, जब नीचे वो सेडिमेंट हो जाएगा, नीचे वो आपका एकदम सेटल हो जाएगा, तो आप अनदर बीकर में उस पानी को पोर कर दोगे, राइट। उस वाटर को जैसे इस फर्स्ट स्टेप में है, क्या करोगे, पोर कर दोगे। तो ये आपका प्रोसेस हुआ डिकेंटेशन का, जब दो लिक्विड को, जब दो लिक्विड एक लेयर फॉर्म कर देती हैं, उन्हें अलग करने का ही काम डिकेंटेशन होता है। जैसे दो लिक्विड का मतलब है ये देखो, वाटर और एयर। तो टॉप लेयर जो होती है लिक्विड की, उसे हम पोर ऑफ कर देते हैं, बॉटम लेयर क्या होती है, ड्रेन्ड कर दी जाती है टॉप लेयर से, ठीक है। तो यही प्रोसेस आपका डिकेंटेशन का प्रोसेस होता है, राइट। दिस इज ओनली द डिकेंटेशन प्रोसेस, और ये आपका हाइड्रोजीनियस मिक्सचर के लिए, हाइड्रोजीनियस मिक्सचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स के लिए भी ये बहुत बेस्ट होता है। जब दो लिक्विड मिल जाते हैं तो डिकेंटेशन का प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है, और एक लिक्विड को अलग किया जाता है और एक लिक्विड को ड्राइड ऑफ कर, ड्रेन कर दिया जाता है, राइट। तो ये प्रोसेस क्या है आपका, डिकेंटेशन का प्रोसेस है। नेक्स्ट आता है फिल्टरेशन। फिल्टरेशन इज वेरी सिंपल, बहुत आसानी से समझ लो कि आप अपने क्या करते हो, टी लीव्स को स्ट्रेन करते हो स्ट्रेनर से, स्ट्रेन करते हो किससे, स्ट्रेनर से, वही आपका फिल्टरेशन का प्रोसेस होता है। क्या होता है, वही आपका फिल्टरेशन का प्रोसेस होता है। आप क्या करते हो, छन्नी से चाय को छानते हो कि जो अनवांटेड पार्टिकल है वो ऊपर रह जाएं, और वांटेड पार्टिकल, यूजफुल जो पार्टिकल्स है वो कप में आ जाए, यानी कि चाय आपकी कप में आ जाए और आप उसे पी सको, यूज कर सको। तो दैट इज ओनली द प्रोसेस ऑफ
फिल्टरेशन, राइट? इतना क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ, माही, गुनगुन, ओजस्वी, सिद्धार्थ, आदित्य, अनन्या, यस, इतना, हाय अनन्या बच्चा, इतना क्लियर हुआ? फिल्टरेशन का प्रोसेस क्लियर हो गया। अब हम अपने क्वेश्चंस एंड आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। दिस इज लास्ट टॉपिक, इसके बाद हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड स्टार्ट हो जाएगा। यस, आई रिमेम्बर यू, यू आर अनन्या, ठीक है। इवोपोरेशन का मतलब होता है जब आपके वॉटर वेपर फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि लिक्विड किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड किसके फॉर्म में, गैसेस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम इवोपोरेशन कहते हैं। प्रेशर या फिर टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण आपकी लिक्विड फॉर्म गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज ओनली अ इवोपोरेशन, राइट? यस, चलो ये आपको समझ में आ गया। जैसे कि आपने देखा, जब क्या होती है, बारिश होती है तो आपका वाटर कलेक्ट होता है, फिर इवोपोरेट होता है, फिर जाके वो कंडेंस होता है, एंड देन फिर परसिपिटेट होता है। परसिपिटेट मतलब बारिश होती है फिर कलेक्शन होता है, इसी तरह पूरा वाटर साइकिल आपका चलता रहता है, राइट? जब आप बॉयल करते हो पानी को तो वो गैसियस फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट होती है, राइट? इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर वेपर बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया इवोपोरेशन क्या होता है। चलो अब आप रेडी हो क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन आपका इस टॉपिक के बाद आने वाला है, कंडेंसेशन का मतलब होता है जब वाटर वेपर लिक्विड में फिर से चेंज हो जाए, यानी गैसियस फॉर्म से फिर से वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाए, उसी को हम कहते हैं कंडेंसेशन। जब आपने देखा होगा, कभी आपने वाटर को हीट किया, ये देखो इवोपोरेट हो रहा है, सामने आप एक प्लेट लगा दो तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि वो ड्रॉप्स गिर रही है किसी अनदर ग्लास में, उसी को हम कहेंगे गैसियस फॉर्म लिक्विड फॉर्म में चेंज हो रहा है, राइट? तो कंडेंसेशन अपोजिट है इवोपोरेशन का, ये याद रखना, ये बहुत इजी होगा आपके लिए लर्न करने के लिए कि कंडेंसेशन किससे अपोजिट है, इवोपोरेशन से अपोजिट है। आपके जो क्लाउड्स है वो कंडेंस फॉर्म है वाटर का, क्या है, कंडेंस फॉर्म है वाटर का आपके क्लाउड, तो ये क्लियर हुआ। चलो फटाफट से मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, अनन्या, ओजस्वी, माही, एवरीबडी, हूसोएवर इज रेडी फॉर द क्वेश्चन, सिद्धार्थ, ओजस्वी, गुनगुन, माही, अनन्या, सब फटाफट से बताओ, फटाफट से मुझे बताओ क्वेश्चन राउंड के लिए कौन रेडी है। यहाँ पे हमारे बहुत अमेजिंग अमेजिंग क्वेश्चन होंगे भाई, हम लोगों के पास क्या क्या होगा, यहाँ पे आपके कुछ ट्रू फॉल्स होंगे, ठीक है, फिलअप्स होंगे, एंड ऑफ कोर्स मैच द फॉलोइंग होगी। आपके जितने पेपर से रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगे, फिलअप्स होंगे, मैच द फॉलोइंग होगी, एमसीक्यूज होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होगा, तो यू विल गोना हैव लॉट्स ऑफ फन, लॉट्स ऑफ फन। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बटर इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क बाय, आपको बताना है, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था एक प्रोसेस होता है किसको, बटर को कर्ड से या मिल्क से सेपरेट करने का, कर्ड से या मिल्क से बटर को सेपरेट करने का एक प्रोसेस होता है जिसके बारे में वी हैव डिस्कस्ड ओनली, तो वो कौन सा प्रोसेस होता है, जल्दी से बताओ कौन सा प्रोसेस होता है। अनन्या, माही, गुनगुन, एवरीबडी, सिद्धार्थ, ओजस्वी, आदित्य, फटाफट से सब लोग आंसर करो कि कौन सा प्रोसेस होता है बटर को सेपरेट करने का। तो बटर को सेपरेट करने का जो आपका प्रोसेस होता है बच्चों, वो प्रोसेस होता है चर्निंग का, राइट? करेक्ट करेक्ट, वो कौन सा प्रोसेस होता है, चर्निंग का प्रोसेस होता है। अब आपको पता है जब आप मिल्क और बटर को किससे सेपरेट करते हो, चर्निंग के प्रोसेस से सेपरेट करते हो, जो अनवांटेड मटेरियल होता है वो थ्रो कर देते हो, और जो वांटेड यानी कि बटर होता है वो आप खाने में इस्तेमाल करते हो, करेक्ट? तो दिस इज डन बाय चर्निंग प्रोसेस, ये किससे होता है, चर्निंग से होता है, तो ये समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फिल्टरेशन की तरफ। फिल्टरेशन कौन से कंपोनेंट्स को सेपरेट करने का मेथड होता है, आपको बताना है कि फिल्टरेशन
कौन से कंपोनेंट को सेपरेट करने का मेथड है? जल्दी से बताओ। फिल्टरेशन इज अ मेथड टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ डैश। डैश में क्या आते हैं? सॉल्यूशन, मिक्सचर आता है लिक्विड और इनसॉल्युबल का, या बोथ ए एंड बी, या फिर प्योर सब्सटेंस। तो फिल्टरेशन किस प्रोसेस का किया जाता है? जल्दी जल्दी से बताओ, कमेंट सेक्शन में आंसर आ जाना चाहिए। अभी तक आया क्यों नहीं? समझ में नहीं आया था आपको फिल्टरेशन प्रोसेस? बताया था ना मैंने फिल्टरेशन प्रोसेस, तो फटाफट से बताओ कि फिल्टरेशन प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है। फिल्टरेशन में क्या करते हैं हम? लिक्विड और इनसॉल्युबल सब्सटेंस के मिक्सचर को फिल्टर करते हैं। जो कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का, वो क्या होता है? इस मेथड से सेपरेट नहीं हो पाता, राइट? तो फिल्टरेशन में क्या होता है, आपके मिक्सचर जो होता है लिक्विड और इनसॉल्युबल सब्सटेंस का, उसी को सेपरेट करने का काम किया जाता है, राइट? तो ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है, थ्रेशिंग इज डन बाय। जल्दी से बताओ थ्रेशिंग कैसे होती है? फटाफट से मुझे बता दो कि थ्रेशिंग कैसे होती है। जल्दी से बताओ थ्रेशिंग कैसे होती है। यस, थ्रेशिंग कैसे होती है, कोई मुझे बताएगा फटाफट से? कौन सा बच्चा बताएगा कि थ्रेशिंग कैसे होती है? थ्रेशिंग को हम बीट करके करते हैं। इज डन बाय बीटिंग बुलक्स, मशीन या ऑल ऑफ दीज। किससे होती है थ्रेशिंग? तो थ्रेशिंग आपकी होती है ऑल ऑफ दीज से, यानी कि आपने देखा पहले क्या होता था, फार्मर्स क्या करते थे, स्टॉक्स को बीट करते थे ग्रेन्स को सेपरेट करने के लिए। क्या करते थे? स्टॉक्स को ग्रेन्स सेपरेट करने के लिए स्टॉक्स को बीट किया जाता था। बाद में मशीन का उपयोग करने लगे। किसका उपयोग करने लगे? मशीन का उपयोग होता है और बुलेट्स का भी यूज होता था आपका थ्रैशिंग मेथड में, थ्रैशिंग सेपरेशन में। तो ये तीनों के तीनों मेथड आपके किसके हैं? ये तीनों के तीनों मेथड आपके थ्रैशिंग के लिए हैं, ठीक है? तो ये क्लियर हो गया कि थ्रैशिंग क्या होता है। थ्रैशिंग इज डन बाय बीटिंग और बुलेट्स और मशीन। ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है? अब हमने बात की थी, एक ऐसा मेथड था जिसमें पेबल्स और स्टोन सैंड से हम अलग करते थे। सैंड की बात हुई थी ना, सैंड की बात हुई थी, फ्लोर की बात हुई थी कि फ्लोर में से अनवांटेड मटेरियल्स हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, अलग कर देते हैं। तो वो किससे करते थे, कौन सा मेथड था? मेथड बताना है जो यूज किया जाता हो सेपरेट करने के लिए पेबल्स और स्टोन को सैंड से। कौन सा मेथड है? हैंड पिकिंग का, विनोइंग का, या फिर सीविंग का? कौन सा मेथड है फटाफट से बताना बच्चों, कौन सा मेथड है? ओके, लाइव गुरुकुल कह रहे हैं सी मेथड आपका होगा। ओके, जल्दी जल्दी से और सभी लोग बताओ कौन सा मेथड होगा। राइट, सी मेथड बता रहे हैं सबके सब, और ये करेक्ट है। सी मेथड आपका बिल्कुल सही है। हैंड पिकिंग क्या होता है? हैंड पिकिंग आपका तब रिक्वायर होता है जब क्या हो, स्टोन्स और पेबल्स आपके किसी भी ऐसे मिक्सचर में हो जो आपका फाइन पार्टिकल्स का ना हो, राइट? आपका फाइन पार्टिकल्स का ना हो वो आपका हैंड पिकिंग होता है। विनोइंग में विंड का यूज किया जाता है फाइन पार्टिकल्स को अलग करने के लिए, जो क्या हो, लाइट वेटेड हो उनको अलग करने के लिए आपका विनोइंग मेथड यूज किया जाता है। विंड से ये चीज होती है। तो सीविंग आपका बिल्कुल सही है। द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन, चाहे वो शुगर हो इन वॉटर, कैन बी सेपरेटेड बाई। आपको बताना है जो कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊं आपको, जो शुगर होती है, जो आपकी चीनी होती है ना, चीनी, ये अगर आप पानी में, वाटर में, समझ लो 500 ग्राम
आप शुगर एक ग्लास वाटर में डालोगे तो वो कभी डिसॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप किसी भी अमाउंट को एट एनी अमाउंट ऑफ वाटर, राइट, आप अगर एक ग्लास के पानी में 500 ग्राम चीनी को, शुगर को डालोगे तो इट विल नॉट डिसॉल्व। एक सर्टेन लिमिट होती है डिसॉल्वेशन की भी। अगर आप उस लिमिट से ज्यादा बढ़ोगे तो कभी भी शुगर डिसॉल्व नहीं होगी। 500 ग्राम के लिए वाटर भी उतनी ही क्वांटिटी में होना चाहिए, राइट? तो ये क्लियर हुआ। अब बताना है कि कंपोनेंट ऑफ शुगर क्या होगा, जल्दी से बताओ। कंपोनेंट ऑफ शुगर क्या होगा? जो आपका कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन होता है से शुगर इन वाटर, यानी कि शुगर को पानी में घोलने का, कैन बी सेपरेटेड। आप किस मेथड से सेपरेट कर सकते हो? लाइव गुरुकुल का आंसर आ चुका है बी। लाइव गुरुकुल कह रहे हैं बी से सेपरेट किया जा सकता है। ओके, यानी आप इवोपोरेशन की बात कर रहे हैं बेटा। इवोपोरेशन बिल्कुल बिल्कुल सही आपका आंसर है, राइट? तो आप ये क्या कर सकते हो, जो इवोपोरेशन है वो वोलेटाइल कंपोनेंट को इवोपोरेट कर देगा, और देन उसके बाद कंडेंसेशन होगा। हाय एग्जाम कीड़ा, कैसे हैं आप? फिर आपका कंडेंसेशन होता है, तो इसीलिए इवोपोरेशन इस प्रोसेस का करेक्ट आंसर है। जब शुगर वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा तो वो इवोपोरेशन के कारण जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं वो इवोपोरेट हो जाएंगे, और उसके बाद आपका जो सब्सटेंस बच जाएगा वो कंडेंस हो जाएगा, राइट? तो ये क्लियर हो गया, इसका करेक्ट आंसर आपका बी है। नेक्स्ट है, सैंड फ्रॉम वॉटर इज सेपरेटेड बाई, यानी जो सैंड होता है उसको आप पानी से किस प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हो? सीविंग से, इवोपरेशन से, फिल्टरेशन से, सेडिमेंटेशन या डिकेंटेशन से? फटाफट से बताओ किस प्रोसेस से आप उसे सेपरेट कर सकते हो, जल्दी से बताओ कौन से प्रोसेस से आप सेपरेट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में बता दो कि हम सैंड को वॉटर से किस सेपरेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, किस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं हम, फटाफट से बताना, जल्दी से बताओ किस मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं। यस, लाइव गुरुकुल का आंसर आ चुका है बी। बी मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं, वो बता रहे हैं। चलो देखते हैं, इवोपरेशन से हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं? नहीं। द करेक्ट आंसर इज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। आपको पता है कि जब इवोपोरेशन और फिल्टरेशन हो जाता है तब आपका सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन का प्रोसेस इजियर हो जाता है, यानी कि जो पानी होता है वो आप जब पानी में सैंड को डालोगे, जब वो आपके एंड ऑफ द बीकर, यानी कि अगर आपने बीकर में क्या किया, सैंड को डाला और वाटर है उसमें, तो जब वो सेटल डाउन हो जाएगा यानी वो सेडिमेंट हो जाएगा, तो उसके बाद आप डिकेंटेशन का प्रोसेस कर सकते हो, और इस प्रोसेस से आप पानी को अलग सेपरेट कर सकते हो और सैंड आपका उसी बीकर में लेफ्ट आउट हो जाएगा। यानी कि सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन से आप सैंड को पानी से अलग करने का प्रोसेस कर सकते हो। तो डी इज द करेक्ट आंसर, नॉट बी। डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका आ जाता है मैच द फॉलोइंग, जिसमें आपको मैच करना होगा कॉलम ए से कॉलम बी को, यानी हैंड पिकिंग, थ्रैशिंग, विनोइंग, सीविंग और सेडिमेंटेशन, लास्ट इवोपोरेशन, कंडेंसेशन एंड चर्निंग। ये सारे के सारे आपको क्या करना होगा, मैच द फॉलोइंग करना होगा, राइट? तो फटाफट से करेक्ट करेक्ट आंसर बताते जाओ कि हैंड पिकिंग का मेथड हम क्या किसमें यूज करते हैं, जल्दी से बताओ। हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, इन सारे सारे मेथड्स के बारे में हमने पूरे सेशन में पढ़ाई की थी। हमने पढ़ा था कि ये सारे के सारे मेथड कैसे कैसे होते हैं, इन्हें हम किस किस वे में यूज करते हैं। तो भाई जो हैंड पिकिंग का मेथड होता है वो हम क्या करते हैं, उसमें से ऐसे पार्टिकल्स अलग करते हैं जो किसी भी आपके फाइन नहीं, कोई भी बड़े बिग पार्टिकल्स में हो, कोई भी ऐसे अनवांटेड मटेरियल्स, तो हम उसे हैंड पिकिंग के प्रोसेस से अलग करते हैं। जैसे राइस से हम पेबल्स को अलग करने का काम करते हैं, राइट? तो जल्दी से बताओ क्या क्या आंसर होगा, फटाफट से बताओ क्या क्या आंसर होगा। देखो, थ्रैशिंग को क्या करते हैं हम, ग्रेन्स को स्टॉक्स से सेपरेट करने का काम करते हैं, तो थ्रैशिंग तो सिक्स्थ हो गया, राइट?
थ्रैशिंग क्या हुआ, 6 हो गया, एक आंसर मैंने दे दिया। अब आप लोग फटाफट से आंसर करना स्टार्ट करो कि थ्रैशिंग तो आपका हो गया सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम इट्स स्टॉक्स, देन नेक्स्ट हुआ विनोइंग, यानी कि मैंने क्या कहा था, विनोइंग में आप विन से विंड को याद रख सकते हो। तो धूलो विंड कहाँ पर है, विंड कहाँ पर है आपका, विंड है आपका एर्थ में, तो यानी विनोइंग का आंसर एर्थ हो गया, जहां पे विंड दिखा वो विनोइंग का ही आंसर होगा, राइट। सीविंग क्या होता है, सीविंग आपका ऐसा मेथड होता है जिसमें आप सीव का यूज करते हो छोटे छोटे पार्टिकल्स को अलग करने के लिए फ्लोर से, तो फ्लोर की बात आई, आटे की बात आई, तो ये तो आपका सेकेंड में आ गया, राइट। सेडिमेंटेशन का क्या मतलब होता है, जो सेटल डाउन हो जाता है आपके हैवियर कंपोनेंट्स बॉटम में, उन्हीं को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं, यानी कि सेवेंथ इज द राइट आंसर। अब इवोपोरेशन क्या होता है, लिक्विड फॉर्म आपका किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये आपको कहाँ दिख रहा है, कन्वर्जन ऑफ वॉटर इंटू वेपर, राइट। तो ये क्या हो गया, फिफ्थ आपका इवोपोरेशन हो गया। और अभी हमने पढ़ा था कि कंडेंसेशन इज वाइज वर्सा ऑफ इवोपोरेशन, यानी कि वाटर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो फर्स्ट आपका कंडेंसेशन हो जाएगा। चर्निंग प्रोसेस है जब आप बटर को मिल्क से क्या करते हो, सेपरेट करते हो, दैट इज ओनली चर्निंग, तो यानी कि फोर्थ आपका ये हो गया। तो सब कुछ तो यहाँ पर आपका आ गया, एंड देन बचा थर्ड, यानी कि सेपरेटिंग लार्ज साइज पार्टिकल्स, वो आपका हैंड पिकिंग में चला गया। तो ये क्लियर हो गया कि हैंड पिकिंग का थर्ड होगा, थ्रैशिंग का फोर्थ, विनोइंग का एट्थ, सीविंग का सेकेंड, और सेडिमेंटेशन हो गया सेवेंथ, राइट, इवोपोरेशन फिफ्थ, कंडेंसेशन फर्स्ट, एंड फोर्थ आपका चर्निंग हो गया। तो ये क्लियर हो गया, एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ, ये आपका पूरा आपको मैच द फॉलोइंग क्लियर हो गया, यस डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, मैच द फॉलोइंग क्लियर हो गया, लाइक गुरुकुल एग्जाम कीड़ा अनन्या गुनगुन सभी लोग बताओ ये क्लियर हुआ। अब आपका है पीनट्स आर सेपरेटेड, देखो ये सारे अब मैं आपको क्या कराने वाली हूँ, अब मैं आपको कराने वाली हूँ ट्रू फॉल्स, राइट। अभी ट्रू फॉल्स की बारी है, बहुत आपने ये पढ़ लिया, अब ट्रू फॉल्स पढ़ना है। बटर इज सेपरेटेड फ्रॉम बटर मिल्क बाई चर्निंग, जल्दी से सॉरी मुझे कोई आंसर दे दो कि जो बटर का सेपरेशन है वो क्या चर्निंग से होता है, मिल्क से क्या वो चर्निंग से सेपरेट किया जाता है, जल्दी से आंसर करो। यस सिद्धार्थ कुणाल अनन्या गुनगुन एवरीबडी आंसर लिख कि जो बटर आपका सेपरेट होता है बटर मिल्क से क्या वो चर्निंग से होता है, तो दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम चर्निंग किससे होता है, फटाफट से बताओ। यस द करेक्ट आंसर इज ट्रू, जो आपका बटर है वो चर्निंग के प्रोसेस से सेपरेट किया जाता है, इट इज सेपरेटेड बाई द प्रोसेस ऑफ चर्निंग, ये हमने पढ़ा था इस सब चैप्टर में। सेपरेशन ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इज अ यूजफुल प्रोसेस, क्या आपका ये यूजफुल प्रोसेस है, डेफिनेटली अगर आप किसी कॉम्पोनेंट को सेपरेट करोगे तो क्या होगा, उससे आपको इजिली पता चल जाएगा कि भाई कौन सा यूजफुल है और कौन सा नॉन यूजफुल है, तो डेफिनेटली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस एंड अ वेरी यूजफुल प्रोसेस, ये आपका इंपॉर्टेंट तो है ही है बट एज वेल एज दिस इज वेरी वेरी यूजफुल ऑल्सो, ये इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ यूजफुल भी है, अगर आप अनवांटेड मटेरियल्स को वांटेड मटेरियल्स से सेपरेट कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा यूजफुल है और कौन सा नॉन यूजफुल है। नेक्स्ट है कंडेंसेशन मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग सब्सटेंस विच ऑन हीटिंग चेंज डायरेक्टली इनटू वेपर, तो कंडेंसेशन का प्रोसेस हमने पढ़ा था, कंडेंसेशन इज वाइस वर्सा ऑफ इवोपोरेशन, तो ये बता रहे हैं कि कंडेंसेशन मेथड ऐसा होता है जिसमें हीटिंग चेंज होने पर वेपर में वो कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या ये आंसर आपका सही है, नहीं। कंडेंसेशन में क्या होता है, आपका गैसियस फॉर्म लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इवोपोरेशन में क्या होता है, इवोपोरेशन जैसा कि बताया हाई कार्तिक, इवोपोरेशन आपका वाइस वर्सा होता है, यानी लिक्विड आपका गैसियस में कन्वर्ट हो जाता है। हेलो कार्तिक आंसर करो इसका फॉल्स होगा या ट्रू,
राइट आंसर इज फॉल्स. ये आपका वेपर में नहीं बल्कि लिक्विड में कन्वर्ट होता है. राइट right? नेक्स्ट है प्योर सब्सटेंस. वन सेकेंड, व्हाट इज हैपनिंग? राइट, एक सेकेंड, जल्दी जल्दी से बताओ तब तक आप लोग. यस, प्योर सब्सटेंस आपके क्या करते हैं, फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका. जो प्योर सब्सटेंस है होते हैं उनके फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं. जल्दी से बताओ कौन बता सकता है फिक्स्ड मेल्टिंग और फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं आपके प्योर सब्सटेंस के. तो ये बिल्कुल सही है, आपके जो जितने भी प्योर सब्सटेंस होते हैं उनके फिक्स्ड एक मेल्टिंग और एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, बिकॉज दे हैव हाई रेजिस्टेंस. तो ये टोटल चैप्टर था हमारा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस. राइट, ये हमारा टोटल चैप्टर था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, जिसमें हमने पढ़ाई की अपना पूरा का पूरा कि भाई सेपरेशन क्यों किया जाता है. जितने आपके 7 मेथड्स होते हैं, विनोइंग, थ्रैशिंग, आपके हैंड पिकिंग, डिकेंटेशन, फिल्टरेशन और सेडिमेंटेशन, आपका इवोपोरेशन, कंडेंसेशन, सारे के सारे मेथड्स को हमने यहाँ पे ब्रीफली पढ़ा, समझा कि सेपरेशन क्यों यूजफुल है हमारे लिए, और हमने क्वेश्चन एंड आंसर्स भी अपने यहाँ पर किए. तो आई होप कि आपको ये चैप्टर पूरा से क्लियर हो गया होगा. जो भी डाउट हो, जो भी क्वेरी हो, यू आर ऑलवेज वेलकम टू शेयर इट विद मी ऑन कमेंट सेक्शन. कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, प्लस आप मुझसे शेयर कर सकते हो टेलीग्राम के डिस्कशन चैनल पर. राइट, टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप पर भी आप मुझसे ये चीज शेयर कर सकते हो जो भी आपके डाउट्स हो. दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन. ये हमारा क्लास 6 का सेशन था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का. राइट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. अगर आपको अनअकैडमी के जो भी बेनिफिट्स को अवेल करना है उसके लिए यू नीड टू हैव अनअकैडमी ऐप इन योर फोन एंड यू हैव टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन. जब आप सिलेक्ट करोगे गोल अपना, तो आपको अपने प्लस पर क्लिक करके सब्सक्रिप्शन लेना है. फ्री कोर्सेज के लिए आपको एक कोड की जरूरत पड़ती है. कोड आप मेरा यूज कर सकते हो, प्राच, PRACH कैपिटल लेटर में यू कैन यूज. राइट, अदर कोर्सेज पर जाकर आप क्लिक करना ऑन अदर कोर्सेज एंड मेरा नाम सर्च करना, प्राची सिंह. यू कैन फॉलो मी देयर. थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर डेडिकेटिंग मी हैट. सिद्धार्थ कुणाल यहाँ पर हो तो बेटा थैंक यू सो मच, आपने मुझे हैट डेडिकेट किया था यस्टरडे. एंड थैंक यू टू ईच एंड एवरीबडी हु हैव डेडिकेटेड मी हैट देयर. थैंक यू सो मच हैट डेडिकेट करने के लिए. एंड नेक्स्ट, इफ यू वॉन्ट टू परचेज एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन, क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन. एंड मूविंग अहेड, आपको सेलेक्ट करना होगा कोई भी मंथ, जो मंथ आपको सूट करे उसे सेलेक्ट करना. यूज करना मेरा कोड प्राच, आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा, 10% छूट मिल जाएगी जब आप यूज करोगे कोड प्राच. इसे यूज करो, यूज दिस कोड फॉर अनलॉकिंग फ्री सब्सक्रिप्शन एंड फॉर गेटिंग 10% का डिस्काउंट ऑन सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन पे 10% का डिस्काउंट पाने के लिए मेरा कोड यूज करो और अनलॉक करो जो भी फ्री कोर्सेज हैं मेरे कोड से. राइट, तो ये था, दिस इज अबाउट एन अकेडमी. डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, हिट करो लाइक बटन, शेयर करो वीडियो को अपने सारे के सारे फ्रेंड्स में. लेट देम ऑल्सो नो कि मैम इज लाइव, मैम इज टीचिंग नाउ, तो उन्हें भी पता चलना चाहिए. करेक्ट, ये आपका होमवर्क है. This is your homework. कि method of separating seeds of paddy from its stalk is called. आपको method बताना है. 5 PM पे there is a special class for of mine on an academy app. Special class है आपकी an academy के app पे. तो do join me there. जिसको वो link नहीं मिली है, टेलीग्राम ग्रुप में जाकर चेक कर लो. आई ऑलरेडी हैव सेंडेड दैट लिंक इन द ग्रुप. एंड वन मोर थिंग, 3 PM पे अभी मेरी नेक्स्ट क्लास है यूट्यूब पे, तो फटाफट से उसमें भी ज्वाइन करना. धमाकेदार पढ़ाई करने वाले हैं हम लोग. दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन. बी देयर एट 3 PM एंड ऑल्सो एट 5 PM ऑन अन अकेडमी लर्निंग ऐप. तो मेक श्योर कर लो सभी के सभी लोग कि आपने अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर रखा होगा. राइट, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ईट समथिंग, टेक रेस्ट, डू स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज. मिलेंगे अब हम लोग 3 बजे और उसके बाद 5 बजे अन अकेडमी के ऐप पर. बाय बाय बच्चे पार्टी, हैव अ गुड डे.